घर रहूं तो पेट पालने की सालती है चिंता, घर बाहर जाऊं तो सजती है चिता। यह कोई एकमात्र जुमला नहीं बल्कि गढ़वा पलामों के लिए वो कोरी सच्चाई है जो अनवरत नुमाया होती है। गढ़वा और पलामू, जिस पर पलायन, बेरोजगारी और सूखा एक कलंक के रूप में स्थापित है, इस कलंक को मिटाने के लिए कहने को तो बहुतेरे प्रयास हुए, लेकिन आज तक ना तो कलंक मिटी और ना ही विभीषिका दूर हुई। हर दूसरे साल गढ़वा पलाऊ में सूखा पड़ता है, नतीजा होता है कि जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर पड़े रहते हैं, और जब सूखा है वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी है। दो रोटी के लिए यहाँ की युवा, गढ़वा पलामू की युवा सुदूर प्रदेशों की खाक छानते हैं, जहां उनके पाले में रोटी कम और मौत ज्यादा आती है। हर बार ऐसी घटना घटती है। आप गढ़वा और पलामू की दो घटना का जिक्र करते हैं। आज की घटना के विषय बताने से पहले आपको दो घटना का जिक्र करते हैं। गढ़वा भोनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में घाटी है भगवान घाटी, अब वह सड़क सीधी हो गई है, लेकिन उस वक्त जब घटना घटी थी उसी इलाके के मजदूर बिहार में धनकटनी करने गए थे, वहीं से वापस लौट रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होती है और 30 मजदूरों की मौत हो जाती है। यह तो उस रोज की घटना हुई। पलामू कलेसलीगंज में के इलाके में ठीक उसी तरह धनकटनी करके ही लोग वापस आ रहे थे और गाड़ी उनका एक्सीडेंट होता है और 21 लोगों की मौत हो जाती है। ये दो घटना ने पलायन की जो स्थिति है उसको नुमाया कर दिया था। आज की घटना कर हम बात करें तो नगर उटारी के 10 से ज्यादा युवा बाहर सुदूर प्रदेशों में काम करने के लिए, रोजगार खोजने के लिए जा रहे थे, जहां पर वो काम करते और अपना पेट पालते, अपने परिवार का भरण पोषण करते, इसी आस लिए वो घर से निकले थे कि घर से कुछ ही दूरी पर घटना घटती है, जो ऑटो पर सवार थे ऑटो के ट्रक से टक्कर होती है और एक युवा मजदूर, युवा बेरोजगार की मौत घटना स्थल पर होती है, जबकि 4 लोगों की मौत सदर अस्पताल में होती है। यह स्थिति है और यह विभीषिका आज से नहीं कालांतर से बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए बहुत तेरे प्रयास हुए। हमारे साथ किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष कृपाल भैया, हमारे साथ कृपाल जी हैं। पलामू और गढ़वा सूखा के लिए शब्द है, बेरोजगारी के लिए एक कलंक के रूप में स्थापित है। आज तक बहुत तरह प्रयास हुए। आपको भगवान घाटी घटना भी आपको बेशक याद होगा, आज भी एक घटना घट गई, लगातार मौत हो रही है, लेकिन पलायन के विभीषिका दूर नहीं हो रही है, आखिर कहाँ चूक हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की दोष है और पलामू हमारे यहाँ शुरू से ही पानी और पलायन दो सबसे बड़ा हमारे यहाँ का मुद्दा है। गढ़वा और पलामू प्रमंडल का भी मुद्दा है और सरकार कभी न जो आई और वर्तमान जो सरकार है, यह जो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि यह सरकार दोषी है। हमारे यहाँ गढ़वा जिला में लगातार 2 वर्षों से अकाल पड़ रहा है। रघुवर की जब सरकार थी उनके समय में भी अकाल पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को उन्होंने सुधी लेने का काम किया था, लेकिन इस बार लगातार 2 वर्षों से हम लोगों के यहाँ धान की रोपनी भी नहीं हो पा रही है और न किसान का हाल और न गाँव का हाल यह सरकार लेने से असमर्थ है। आज गांव में चले जाइए, नदी में पानी सूखा हुआ है, चापाकल का पानी सूखा हुआ है, लोग शमशान घाट पर भी लाश जलाने के लिए पानी की स्थिति नहीं है, मवेशी के पानी की स्थिति नहीं है, चारा नहीं है, फिर भी यह सरकार में कोई सुधी लेने वाले नहीं है। और क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के सांसद दोनों के पहल के बावजूद भी यह सरकार में कोई उन लोगों का भी सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमारे विधायक भी लाचार हो जा रहे हैं। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं उनके द्वारा। कृपाल जी, सरकार आपकी भी थी झारखंड में, सरकार से ज्यादा 87 आपकी सरकार रही है, उस वक्त भी लोग पलायन करते थे, उस वक्त भी सूखा पड़ता था, लेकिन सरकार किसी की भी, हम किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूक कहाँ हो जाती है? न तो रोजगार की व्यवस्था हो पाती है, न तो सूखा से निपटने के लिए व्यवस्था हो पाती है। देखिये, जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय हम लोगों के यहाँ सोन पाइपलाइन लगा करके
बहुत बड़ा पैकेज गढ़वा के लिए 1200 करोड़ का पैकेज लगा करके पाइपलाइन का शुरुआत किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा पहल की गई थी, माननीय विधायक भानु प्रताप शाही हम लोगों के सांसद बी डी राम जी के द्वारा बहुत बड़ा पहल किया गया था गढ़वा जिला के लिए, लेकिन संजोग है कि सरकार बदली और जो व्यवस्था है वहीं को वहीं रुक गया। तो हम तो निश्चित रूप से इस सरकार को दोषी मानते हैं। उम्मीद की जाए कि ऐसी स्थिति फिर से पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटना। निश्चित अगर यह सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार नहीं रहेगी तब तक यहाँ के पानी और पलायन दोनों संभव नहीं है कि पलामू के और गढ़वा का विकास होने वाला है और यहाँ का निजात इससे लोगों को मिलने वाला है। सरकार किसी की भी हो लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं हो पाता है, पक्ष और विपक्ष केवल दोषारोपण एक दूसरे पर करने के आदि हो गए हैं। अब जब भी ऐसी घटना घटती है तो सरकार किसी की भी हो विपक्ष उसे दुश्वार ठहराता है, लेकिन घटना बदस्तूर जारी है। आज भी लोग जब गांव से निकल के अपने घर से निकल के बाहर सुदूर प्रदेशों में पलायन करते हैं, तो एक तरफ जहां उनके मन में यह चाहत रहती कि हम बाहर जा रहे हैं काम करने, अपने यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, दो रोटी कमाएंगे, लेकिन उनके पाले में रोटी कम और मौत ज्यादा आती है। यह विभीषिका बनी हुई है, स्थिति भयावह है, लेकिन इस भयावहता को दूर करने के लिए आज तलक केवल जुबानी बातें होती रही, जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। जरूरत है एक कंक्रीट प्रयास करने की, क्योंकि अभी भी वक्त है स्थिति में बदलाव लाने की, ताकि ऐसी घटना की फिर से पुनरावृत्ति गढ़वा पलामू के नाम दर्ज न हो ऐसी घटना। इसलिए जरूरत है इच्छा शक्ति के साथ राजनीति से दूर परे हटकर एक कंक्रीट प्रयास करने की, ताकि जो युवा बेरोजगारी के आलम में पलायन करते हो पलायन रुके, हर खेत तक पानी पहुंचे, जो खेत उपजाऊ है सूखा से अपना पलामू गढ़वा दूर हो, ऐसी जरूरत है प्रयास करने की, ताकि फिर से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, दास न्यूज गढ़वा।